इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स एनथ बोर ऑर्बिट हैविंग डी ब्रगली वेवलेंथ ऑफ 13.4 एंगस्ट्रॉम। द वैल्यू ऑफ एन रेडियस ऑफ एनथ बोर ऑर्बिट दिया है, जो दिया है पहले लिख दीजिए। रेडियस ऑफ एनथ बोर ऑर्बिट दैट मीन्स आर एन इजिकल टू 0.53 एन स्क्वायर, पाई इजिकल टू 3.14, ये हो गया। और लामडा भी गिविन टू लामडा इजिकल टू 13.4 एंगस्ट्रॉम। ये सब चीज़ आपको दिया गया। ये एंगस्ट्रॉम यूनिट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन के टाइम में कोई ज़रूरत नहीं। ये जो हो गया ये दिया है। इधर जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो है एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एच बाई टू बाई। एंगुलर मोमेंटम मीन्स एम वी आर इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एच बाई टू बाई, एन इज इंटीग्रल मल्टीप्लो एच बाई टू बाई। और यू नो दैट, और एक चीज़ आपको मालूम है, वो चीज़ है कि आपका जो लैम्ब्डा इजिकल टू एच बाई एम वी, ये चीज़ आपको मालूम है। वी इजिकल टू कितना होगा, एच बाई एम लैम्ब्डा, फाइन। अभी जो है ना, अभी आप क्या करेंगे ना, जहाँ वी लिखा है ना उसमें पुट कर दीजिए एच बाई एम लैम्ब्डा। आर आर एन, आर एन का वैल्यू दिया है, आर एन का कितना दिया है 0.53 इंटू एन स्क्वायर, फाइन। ये हो गया एन, ये हो गया एच बाई टू बाई। तो अभी क्या है ना, आप एम एम कैंसिल करिए, एच एच बहुत चीज कैंसिल हो जाएगा, एच भी कैंसिल हो गया और एन भी कैंसिल है। इधर एन मीन्स एक पावर निकल गया और रहा कितना है, दैट मीन्स योर सिंप्लीफिकेशन बिकम्स वेरी इजी, 0.53 एन डिवाइड बाय लामडा। अच्छा, लामडा का वैल्यू भी डाल दीजिए, लामडा का वैल्यू जो है ना 13.4, वो भी लिख लीजिए। इजिकल टू कितना हो गया 1/2π। और एन का वैल्यू कितना होगा, वेरी सिंपल, एन का वैल्यू कितना होगा 13.4 डिवाइड बाय 0.53 इंटू 2 इंटू 3.14। ये आप थोड़ा सॉल्व करके देखिए ये कितना आ रहा है, ये जितना आ रहा है ये जो है ना, ये आपको दिखेगा जो मैं बता रहा, आपको दिखेगा 4 point something मंज नियरेस्ट इंटीजर के हिसाब से बताया, राउंडेड अप टू नियरेस्ट इंटीजर, दैट मीन्स इट विल बी अप टू, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। थैंक यू।